इंदौर एसटीएफ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इंदौर के आसपास के क्षेत्रों के होटल और ढाबों पर नकली नोट छापने वाले गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। दरअसल एसटीएफ पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि आसपास के क्षेत्र के ढाबों और होटलों पर नकली नोट खपाए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस को धर्मेंद्र नाम के एक युवक की जानकारी मिली। जब एसटीएफ पुलिस ने इस मामले में जानकारी जुटाई तो खरगोन जिले के बेड़िया गाँव में किराए के मकान में प्रिंटर से नकली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2,11,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं, जिनमें 100, 500, 200 के नोट शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों से डेमो देखा कि ये किस तरीके से बदमाश होटल और ढाबों पर नकली नोट चलाते थे। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों में 2 आरोपी उज्जैन के और 1 आरोपी धार का और 1 इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी पिछले 1 साल से खरगोन जिले में किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस आगे की जांच कर रही है, जिनमें 1 आरोपी पहले भी नकली नोट छापने के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। एसटीएफ इकाई इंदौर द्वारा जो नकली नोट गिरोह के खिलाफ एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। जो सूचना मिली थी इकाई में कि चोरल के पास एक व्यक्ति नकली नोट लेके पहुंच रहा है और उसको नकली नोट का सौदा करने वाला है, इस सूचना पे दबिश दी गई थी। तो एक आरोपी को 7,700 रुपये की जो नकली नोट के साथ पकड़ा गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि खरगोन के पास ये एक ड्रीम सिटी बेड़िया में एक मकान है, वहाँ पर 2 व्यक्ति जय और किरण नकली नोट बनाने का काम करते हैं, जिस पर तत्काल टीम द्वारा दबिश दी गई और दबिश से वहाँ पे भी नकली नोट पकड़े गए। कुल 2,11,000 के नकली नोट और कुछ जो उसको बनाने की सामग्री है, प्रिंटर और हरी जो टेप और जो इनको पकड़ने में सफलता पाई है। 2 आरोपी जय और रोमियो घटनास्थल से फरार हो गए, उनकी प्रत्यक्ष से तलाश की जा रही है और प्रकरण में इनके विरुद्ध धारा 489 के अंतर्गत IPC के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनको 23 तारीख तक आरोपियों को रिमांड पे लिया गया है।